जितने भी विधायक हुए एक ही ना विधायक हुए होंगे, उससे पूर्व भी जो भी विधायक अच्छा। हुए हमारे कोई क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ, हम लोग उनको बोलते हैं काम के लिए तो बोलते हैं कि हमारा बस का नहीं है, अगर आप लोग अपने से कीजिएगा तो हम कुछ सहयोग राशि या प्रदान करेंगे या सहयोग कर देंगे। तो काम कर लेती, अरे कहा यहाँ तो करते नहीं तो कोई काम ना करते। देखिए साहब, जब हमने पत्रकारिता शुरू की थी तो जहनी तौर पे मेरे ख्याल में एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा भाती थी और मेरा शौक था कि कभी किसी चुनाव में जा के सुदूरवर्ती गांव में जाना है और ठेठ देहाती में पीपल के पेड़ के नीचे लोगों के साथ बैठ के खूब गपशप करना, खूब बतियाना है। पाकी के लेसिंगगंज प्रखंड में है हम लोग और यहाँ से तमाम लोग जुड़े हैं, कुछ वृद्ध लोग हैं, कुछ युवा हैं, उन सब से बातचीत करेंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे कि कितना विकास हुआ, क्योंकि राज्य में अलग सरकार और इनका जो प्रतिनिधि है वो विपरीत सरकार से। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अखिलेश उमर सिंह हुआ। हमारे जितने भी विधायक हुए एक ही ना विधायक हुए होंगे, उससे पूर्व भी जो भी विधायक हुए हमारे कोई क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ, अच्छा, अगर हम लोग उनको बोलते हैं काम के लिए तो बोलते हैं कि हमारा बस का नहीं है, अगर आप लोग अपने से कीजिएगा तो हम कुछ सहयोग राशि या प्रदान करेंगे या सहयोग कर देंगे। मतलब काम खुद से कर लीजिए, पैसे दे देंगे कुछ। हाँ, तो उस तरह का काम नहीं हो पाया, हमारे सामने पुल टूटा हुआ है, अच्छा, आवागमन बाधित था, हम लोगों ने मिलकर अपना ये भरावट किया है और अभी मैं पार कर रहा हूँ। ये जो पुल है ये आपने बनवाया? ये हाँ, ये रास्ते में मैंने जितने भी माटी भरवाया हम लोगों ने अपने सहयोग से बनवाया, अपने मतलब आपसी सहयोग से बनवाया। तो ये क्या दिक्कत थी इस पुल में? ये दिक्कत में ये पानी गिरने के चलते ये बह गए थे तो आवागमन बाधित हो गया था, ये कोई गाड़ी आर पार नहीं हो रही थी, पूरा पुल बह गया था। ये पूरा पुल बह गया था जिससे गड्ढा हो गया था बीच में। मैं चाहूंगा थोड़ा सा इसको दिखाएं। तो ये जो टूटी हुई पुलिया देख रहे हैं आप, इसकी तस्वीर, ये पुल उधर क्या नहर है या तालाब? ये तालाब था। अच्छा, तालाब है। हाँ, तालाब। उधर पानी जब बढ़ गया होगा तो ये पुल टूट गया। पानी नहीं बढ़ा यहाँ पे, जब यहाँ से पानी पास हुआ तो बीच में एक होल हुआ और अच्छा, बाद में वो ड्रेन हो गया पूरे। वो पूरा ड्रेन हो गया। हाँ, पूरा ड्रेन हो गया। तो जब आपने इसकी शिकायत की विधायक से या जिला कलेक्टर से, क्या कहा उन्होंने? जब मैंने शिकायत किया तो बोलते हैं अपने से बनवा लेने के लिए, तो हम लोग उतना दूर तक पहुँच नहीं है तो हम लोग छोड़ दिया, फिर हम लोग अपने से ये माटी भरवा दिया मैंने। अपने से आप लोगों ने? हाँ, माटी सहयोग से हम लोगों ने माटी डलवा दिया। क्या करते हैं आप? हम अब सेल्समैन है कंपनी के। कंपनी के सेल्समैन हैं आप? सुदूरवर्ती ये गांव है साहब, मैं किसी की मानसिक तनख्वाह तो नहीं पूछ सकता और यहाँ पर कौन कितने पैसे कमाता है ये भी नहीं जान सकता, लेकिन अंदाज़ा तो लगा सकते हैं आप कि इतने सुदूरवर्ती गांव में कौन कितना ही पैसे कमाते होंगे। और अगर इसकी बुनियादी समस्या अगर ये हो रही है, ड्रेन हो जा रहा है पूरा का पूरा, पुल टूट जा रहा है और उसके बाद भी जब शिकायत होती है तो लोग कहते हैं कि आप खुद से बनवा लीजिए, कुछ सहयोग दे देंगे, ऐसा लग रहा है जैसे भीख दे रहे हैं, आपकी आपकी जिम्मेदारी है बनवाना, आप भीख नहीं दे रहे हैं। लेकिन चूंकि ये राजनीति है, भारत की राजनीति, झारखंड की राजनीति, पांकी की राजनीति। क्या नाम है बाबा आपका? चनेश्वर शर्मा। चनेश्वर शर्मा, आप बड़े अनुभवी हैं, वृद्ध हैं, बहुत सरकार आई गई सब देखे, आप बहुत विधायक को देखे हैं, तो गांव में कोई काम किया कि नहीं किया? का करते थी? का करते थी? करते नहीं थी, अभी बिगड़ रही थी, बनते न कहे बने तो बनते न कहे तो कहते काम कर गए। अच्छा, कुछ काम न कहे कर ना। अच्छा, तो पेंशन उनसे आवा ला रहा? आवाला आवाला। और विधायक जी, अभी जो वर्तमान के विधायक हथिन शशिभूषण, वो काम कर रहे थे, कोई काम कर लेते? अरे का यहाँ तो करते न कहे तो का कहे, कोई काम न कहते कर। तो राहुल का करे ले, किसानी करे ले? हमें हाँ हाँ, अब तो सवांग थक तो काम कर रही थी तो मिजरी के काम। अच्छा, तो किसानी जब करता है तो सबसे ज्यादा समस्या क्या होती है इस किसानी में? जब आप किसानी करते हैं तो पलामू में या आपके क्षेत्र में सबसे ज्यादा समस्या किस बात की होती है? पानी की? पानी के लखाई ना होता है। अच्छा, तो पानी की समस्या है तो जिला कलेक्टर के कभी शिकायत कर लो तो बोलो कि नहीं कुछ का बोले? जिला कलेक्टर सहयोग दिया कि नहीं दिया कभी? कहा के देगा? देगा नहीं दिया। अपन काम, अब वोट लिया जो लिया मिलेगा और जीत जाएगा बस, तू काबिल हो गया, हो गया बस, मुंह देखे भी नहीं करेगा, देखाएगा तो मुंह दिखाया कि नहीं कभी? ये विधायक कभी वापस आया कि नहीं? हम तो नहीं देखे उनको। आप कभी नहीं देखे वापस? हम दूरा पर जाकर बैठे थे, कमल दिए थे वो। अच्छा, और फिर दिए से फिर वह दिन से कह रहे आप ही को वोट मिलेगा। अच्छा। अब दिल्ली से भी आज तक फिर नहीं इनको देखा। तो मैंने आप तो अभी भी तो चुनाव है तो अभी आएंगे कि नहीं वापस? अब कहा जानी, हम अभी नहीं आए अभी तक ना।
बड़े बिगड़े हुए हैं बाबा, और बिगड़े हुए लाजमी है क्योंकि जो समस्याएं हैं, विधायक जी 5 साल पहले आए और उसके बाद चेहरा ही नहीं दिखाए। पुल टूट जाती है तो कहते हैं अपने से कर लो, कुछ सहयोग राशि दे दे। दो महीना हो गया अपने से बनवाए आप लोग मिलके, तो माटी थी ना। चलिए ठीक है, रोक तो नहीं सकते साहब, आप भले कार्य ना करें लेकिन लोग रुकेंगे नहीं। एक और वृद्ध है, क्योंकि वृद्धों से समझना बहुत जरूरी है क्योंकि अनुभव उन्हीं के पास होता है साहब। क्या नाम है बाबा आपका? उपेंद्र सिंह जी। तो क्षेत्र में कितना काम हुआ आपका आज तक? आज तक हुआ काम कुछ? कुछ कहाँ का है, तो टूट गया है। हाँ। तो मुखिया जी भेज रहा गाड़ी। हाँ। तो जो ट्रैक्टर हुआ। हाँ। ये मिट्टी दिए दिया। तो ऐसे तो काम नहीं हुई लग, तो क्या करे लीला आप पहले क्या करते थे? आप तो खैर वृद्ध हो गए, पहले किसानी करते थे? हाँ, किसानी अब जो करते हैं। अभी भी किसानी करते हैं? चलिए हाँ। अच्छी बात है कि आप अभी भी काम करते हैं। तो अभी क्या दिक्कत होता है सबसे ज्यादा किसानी में, क्षेत्र में? किसानी में पानी का समस्या, तो क्या समस्या बा? ठीक है, तो सरकार से पैसा मिला ला वृद्धा पेंशन? वृद्धा पेंशन हाँ मिला। अब किसान सहयोग राशि आवाला, अगर किसान मतलब फसल खराब हो जाती है तो किसान सहयोग राशि मिलती है? हाँ, जब तब हमेशा नहीं मिलती है ना। अच्छा, अभी राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार है, पता है ना? हेमंत सोरेन का ना जी। तो कैसी काम कर रही है राज्य में सरकार? चलिए विधायक जी से तो नाराज है, राज्य में? राज्य में अब कहा, जैसे मानी चलिए आवास को लेकर, अब बाकी सारी चीजें, रोड, नली, नाला। हाँ। नल जल ये सब हो रहा है काम? कहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा काम, कोई काम नहीं हो रहा ना? ना। हमने तमाम लोगों से बातचीत की, गार्जियन, वो बेचारे सेल्समैन, उन्होंने अपनी व्यवस्था बताई। तो लेसीगंज का ये गांव था, सुदूरवर्ती गांव, और यहां पर हमें तमाम लोग मिले, अपनी अपनी समस्याओं के बारे में बताया कि कैसे कुव्यवस्था है यहां पर, अगर पुल गिर जा रहा है तो खुद से बनवाना पड़ रहा है, सिंचाई की व्यवस्था बहुत खराब है, तमाम व्यवस्था जो बहुत खराब है, विधायक जी काम नहीं कर रहे, विधायक जी पहुंच नहीं रहे समय से, एक बार चेहरा दिखा रहे हैं तो दोबारा आते नहीं है क्षेत्र में। तो ये सारी चीजें इन लोगों ने बताई हैं, और शायद जब ये वीडियो पहुंचेगा विधायक जी तक, तब वो सोचेंगे कि इस बार काम करने की जरूरत भी पड़ेगी और इस बार अटेंडेंस भी बनाना पड़ेगा समय दर समय, क्योंकि ये गांव अब अपनी एक विचारधारा बना चुका है। मैं हूं सचिन, कैमरे के पीछे थे पंकज, आप देख रहे थे झारखंड अपडेट्स। शुक्रिया।